हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर को सो so हम कर रहे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन को इसमें हम करते हैं नेक्स्ट अब सिंबायोटिक बैक्टीरिया तो ये जो तो बैक्टीरिया होते हैं फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को इन एसोसिएशन विद प्लांट्स प्लांट के साथ एसोसिएशन में ये क्या करते हैं फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को दीज फिक्स नाइट्रोजन इन एसोसिएशन विद प्लांट्स एंड द कॉमन एग्जाम्पल इज ऑफ राइजोबिया राइजोबिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विच इज एसोसिएटेड जो एसोसिएटेड होता है कि इसके साथ में नोड्यूल्स के साथ में रूट की लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं लाइक बीन्स पीस क्लोव एल्फा एल्फा ठीक है इनमें उसके बाद अगर एग्जाम्पल हम देखें तो लाइकेंस हो जाएंगे वे आर देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस और नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एलगी उसके बाद सिंस नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल न्यूट्रिय जो नाइट्रोजन है बच्चों वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट ग्रोथ के लिए तो इसलिए सिंबायोटिक एसोसिएशन क्या है हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट की ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर के अंदर ओके सो देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया टेकिंग पार्ट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत सारी बैक्टीरिया है जो टेक पार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में और जो सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन है नियरली आइडेंटिकल प्रोसेस है ठीक है सभी के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो नियरली आइडेंटिकल प्रोसेस है और इसमें जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो कौन कौन से उनको हम देखते हैं फर्स्ट है बैक्टीरियल एंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजनेस कैटलाइज करेगा प्रोसेस को सेकेंड है स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट सट इज जो होता है बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर किसके साथ में विद अ वेरी लो रिडॉक्स पोटेंशियल रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है लो होता है उसके बाद थर्ड है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ए बायोलॉजिकल सिस्टम्स में उसके बाद है ऑक्सीजन फ्री कंडीशन होनी चाहिए मतलब एनआरोबिक कंडीशन वहां पे होनी चाहिए नेक्स्ट है जो एंजाइम नाइट्रोजनीज है वो हर्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का हर्ट है एंजाइम नाइट्रोजनीज ठीक है बच्चों विच इज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवरकमिंग द ग्रेट इनर्टनेस ऑफ एंड ट्रिपल बॉन्ड एन मॉलिक्यूल ठीक है इसने क्या कर दिया है जो हमारी प्रॉब्लम थी ग्रेट जो इनर्टनेस है इसकी नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसकी जो इनर्टनेस है उसको सॉल्व करने में ट्रिपल बॉन्ड एंड रिस्पांसिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और कंटेन कर दिया है क्या होते हैं टू मेटेलो प्रोटीन्स होते हैं फर्स्ट वन है एफी प्रोटीन आयरन प्रोटीन जिसे हम क्या बोलते हैं एफी एस प्रोटीन भी बोलते हैं नाइट्रोजनीज रिडाक्टेज भी बच्चों हम इसे बोलते हैं एफी प्रोटीन आयरन प्रोटीन है जिसे हम क्या बोलते हैं इज ऑल्सो नोन एज आयरन सल्फर प्रोटीन और नाइट्रोजनीज रिडाक्टेज सेकेंड है मोलिबिडनम आयरन प्रोटीन एमओ एफ प्रोटीन और हम इसे क्या बोलते हैं एमओ एफ एस प्रोटीन मोलिबिडनम आयरन सल्फर प्रोटीन तो देखिए नाइट्रोजनीज जो है कॉम्प्लेक्स होता है दोनों प्रोटीन्स का डायनामिक एक्लिब्रियम के अंदर विद इट्स कंपोनेंट्स एमआरसी प्रोटीन प्रोटीन टू ियम में होता है में होता है ठीक है नाइट्रोजनेस जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन के एफी प्रोटीन और मोलिबिनम आयरन सल्फर प्रोटीन के तो जिनके जो एक्टिविटी कपल करती है एटीपी रेड हाइड्रोलिस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फेरोडॉक्सिन में कैरी आउट करने के लिए रिडक्शन नाइट्रोजन से अमोनिया के अंदर ओके

नाइट्रोजन है एन टू प्लस में सिक्सटीन ए टी पी एम जी प्लस एट इलेक्ट्रॉन एन प्लस एट हाइड्रोजन आइन टू गिव टू एन एच थ्री एंड एच टू प्लस सिक्सटीन ए डी पी एंड एम जी उसके बाद है सिक्सटीन पीओ फोर थ्री नेगेटिव और रिएक्शन को हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एन टू प्लस में एट हाइड्रोजन आयन प्लस में एट इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हमने शो कर दिया इसको सिक्सटीन एटीपी से सिक्सटीन एट प्लस में पी और फोर थ्री नेगेटिव और यहाँ पे है टू एन एच थ्री प्लस में एच टू नेक्स्ट है हमारे पास एफ ई एम ओ प्रोटीन या फिर जिससे हम बोलते हैं एम ओ एफ ई एस प्रोटीन मॉलिबिडनम आयरन सल्फर प्रोटीन ये कंटेन करता है दोनों को मोलिबिडनम और आयरन दोनों को कंटेन करता है दोनों एलिमेंट यहाँ पे हैं इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं एमओ प्रोटीन या फिर मॉलिबडो फेरेडोक्सिन राइट ब्राउन कलर में होता है ये और एयर सेंसिटिव प्रोटीन है मॉलिकुलर वेट होता है इसकी रेंज कितनी रेंज है टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड से टू लाख फोर्टी थाउजेंड की रेंज में मॉलिकुलर वेट होता है इसका और मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका और यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं

p क्लस्टर और 8Fe7S cluster. So सेवन structural क्लस्टर studies on स्ट्रक्चरल cluster स्टडीज the last क्लस्टर ड्यूरिंग 15 लास्ट टू देखिए जो स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन जो स्टडीज हुई हैं पी क्लस्टर पे लास्ट 10 से 15 इयर्स में वो हमें क्या बताती हैं कि जो पी क्लस्टर वो कंटेन करता है बच्चों 8 आयरन एटम्स एंड एट सल्फर एटम्स दो सब यूनिट्स में ठीक है अनदेटा नियरली क्यूबिक क्या होती है वो नीयरली क्यूबिक शेप में होती है और जो पी क्लस्टर है बिलीव टू तो असिस्ट द रिएक्शन ये असिस्ट करता है रिएक्शन को किस तरीके से बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करके सो इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से एफी प्रोटीन -E से उसके बाद ट्रांसफर करता है इन इलेक्ट्रॉन को एफी एम ओ के पास जिससे क्या होती है एक्टिवेशन होती है और रिडक्शन हो जाता है नाइट्रोजन का ठीक है उसके बाद ड्यूरिंग टू इलेक्ट्रॉन साइकिल

क्लस्टर्स हैं एंड देट आर कपल्ड बाई टू ब्रीजिंग थायोल्स ठीक है सिस्टेन पे देखिए ये क्या है कपल्ड है बाई टू ब्रीजिंग थायोल्स और जो क्यूबेन्स है वो ऑल्सो ज्वाइंट वो भी ज्वाइंट है किससे एस एस लिंकेज से ठीक है इस लिंकेज से वो क्या है ज्वाइंट है एस एस लिंकेज से दैट इज डाई सल्फाइड लिंकेज एश ऑन इन फिगर और राइट इसके बाद पी एन क्लस्टर ये क्या है टू इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड फॉर्म है ये दो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड फॉर्म है ये इसके पीओ एक्स क्लस्टर की इसमें दो होते हैं एफ ई फोर एस थ्री क्लस्टर्स शेयर करते हैं फोर्थ सल्फर को और ब्रिज्ड होते हैं बाई टू थियंट्स फ्रॉम प्रोटीन सिस्टीन तो देखिए दो एफ ई फोर एंड एस थ्री एफ ई फोर है एफ ई फोर एंड एस थ्री है? दो एफर एस थ्री क्लस्टर शेयर करते हैं फोर्थ फोर्थ है कर हैं शेयर कर रही है, और यहां पे क्या है ज्वाइन है किससे टू थीगेंट से किससे टू से दैट इज सिस्टीन ओके फ्रॉम प्रोटीन सिस्टीन बाई टू थीगेंट फ्रॉम प्रोटीन एज एशोन इन फिगर इसके बाद एफ फी एम को फैक्टर तो यहाँ पे देखिए कंटेन करते हैं मोलिबिडनम को आयरन को और सल्फर को मोलिबिडनम भी है आयरन भी और सल्फर भी इसके अंदर ये कंसिस्ट होता है पे जो है वो हमारा एफ ई भी हो सकता है और एम ओ भी हो सकता है ठीक है इसको आप ध्यान रखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू एम एफ थ्री एस थ्री एफ क्या है थ्री एफ ई थ्री एंड एस थ्री समझ आई बात और यहाँ पे एम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलिबिडनम और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आयरन और क्या है इसमें क्लस्टर ज्वाइन है बाई टू ब्रीजिंग सल्फाइड से दो ब्रीजिंग सल्फाइड से ज्वाइन है और थर्ड जो लिगेंड है वो डेजिग्नेटेड है एज वाई ठीक है वाई हमने उसको डेजिग्नेट किया है और जो वाई है विच इज़ अ लेस ऑर्डर सल्फर स्पीशीज है और जो आयरन एटम है सेंटर में वो इंट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में यहाँ पे जो आयरन एटम है वो क्या कर रहे हैं इंट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में वीक एफ वी एफ बॉन्ड से वीक आयरन आयरन बॉन्ड से और Have Fe, Fe bond of about का, यहाँ क्या होता हैिगर यहाँ पे देखिए दो की हमारी ब्रीजिंग सल्फाइड्स है ठीक है तो यहाँ पे दो तो ब्रीजिंग सल्फाइड और थर्ड जो लिगेंडे दैट इज डेजिग्नेटेड एज वाई उसको हमने क्या डेजिग्नेट किया है वाई की तरह तो के स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं अगर आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में